हेलो एवरीबॉडी, आज मेरा पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में पता चले, क्योंकि ये आज इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है। इतने लोग मेरे को पूछते हैं कि हम ब्यूटी और मेकअप में इंटरेस्टेड है पर हमको पता नहीं है हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, या जो भी हम यूज़ करते हैं हमारा फेस डल हो जाता है, या हमको प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे, हम क्या करें। तो इसका रीज़न यही है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं शायद वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। इसीलिए आज का वीडियो हम स्किन टाइप के बारे में बात करेंगे, कौन सी स्किन टाइप है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सिर्फ 4 कैटेगरी है। तो इस विषय के बारे में बात करेंगे ताकि आपको सबसे पहले जो आपका स्किन केयर है और उसके बाद जो मेकअप के प्रोडक्ट्स आते हैं, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप अपनी स्किन के लिए केयर कर सकते हैं और उसी के मुताबिक आप मेकअप खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 कैटेगरी में स्किन टाइप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। पहली है ऑयली, दूसरी है ड्राई, तीसरी है कॉम्बिनेशन और चौथी है नॉर्मल। अब जब हम इन 4 स्किन टाइप के बारे में बात करें, पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों है, हर एक की स्किन टाइप ऐसी अलग अलग क्यों है। इसका कारण है क्योंकि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं। अगर आपने अपनी कभी स्किन को ध्यान से मिरर में देखा होगा तो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हिंदी में अगर कहा जाए तो गड्ढे, जिसमें से पसीना और तेल निकलता है। अब हर एक की स्किन डिफरेंट है, हर एक की स्किन में शायद ये पोर ज़्यादा बड़े हैं या ये छोटे हैं, और इसी के वजह से कितना तेल निकल रहा है स्किन में से जो स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है, उसी के कारण डिफरेंट स्किन टाइप निकल के आती है। अगर हम पहली स्किन टाइप से शुरू करें जो कि ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आपको लगेगा कि आपके जो पोर्स है वो ज़्यादा बड़े हैं, आपको मिरर में अच्छे से दिख रहे हैं। अगर आप सुबह फेस वॉश करते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वो ज़्यादा आपका फेस उसमें से तेल निकलने लगता है, आपको शाइनी लगता है, शीशे में चिप लगता है, आपको लगता है कि मैं अपना फेस धोना चाहती हूँ। तो इसका कारण यही है कि ज़्यादा बड़े जो पोर्स हैं उसमें से ज़्यादा तेल निकल रहा है और आपकी स्किन ऑयली हो रही है। ऑयली स्किन ऑल्सो, उसमें से पिंपल्स और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इसका कारण है कि ज़्यादा बड़े पोर्स है और ज़्यादा तेल निकल रहा है, इसीलिए आपकी स्किन ऑयली स्किन कहलाती है। दूसरी स्किन टाइप पे आते हैं जो कि ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन ऑयली स्किन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ड्राई स्किन में जितने भी पोर्स हैं आपके फेस पे वो टाइट है, छोटे हैं, इसी वजह से ज़्यादा तेल नहीं निकल रहा है। अब जब ज़्यादा तेल नहीं निकल रहा है इसका मतलब आपकी स्किन उतनी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज नहीं हो रही है, इसी वजह से आपको लगता है कि जैसे आप फेस वॉश करें आपका फेस बहुत खिंचा लगने लगेगा, टाइट लगने लगेगा, ड्राइनेस दिखेगी, छोटे छोटे पैचेस दिखेंगे डलनेस के। अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दिन में 3 या 4 बार क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इतना ड्राइनेस है। तो अगर आपको ऐसे फील होता है कि आपकी स्किन बहुत खिंची लग रही है, इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो ड्राई है। तीसरी स्किन टाइप पे आते हैं जो कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। कॉम्बिनेशन मतलब ऑयली और ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन है। जो आपका टी जोन है, जो कि आपका माथा है, नाक है, अपर लिप और ये वाला एरिया जो चिन एरिया है ये ऑयली रहता है, और जो ये एरिया है चीक्स का वो ड्राई रहता है। तो इसी स्किन टाइप को हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आप सुबह उठते हैं या पूरे दिन में ये वाला एरिया तो शाइनी और ऑयली हो जाता है पर ये वाला एरिया जो है वो ड्राई रहता है, खिंचा रहता है, इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है। चौथी कैटेगरी पे आते हैं जो कि नॉर्मल स्किन टाइप है। नॉर्मल स्किन टाइप सबसे बेस्ट स्किन टाइप है। ज़्यादा ना ज़्यादा ऑयल निकलता है, ना ज़्यादा खिंची रहती है, बिल्कुल परफेक्ट स्किन टाइप है।
उसके ऊपर जितने प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना पिंपल्स, ना वाइट हेड्स, ना ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल स्किन टाइप अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना प्रॉब्लम है ज़्यादा ऑयलीनेस की, ना मेरे को लगता है कि ज़्यादा ड्राई होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हर एक स्किन टाइप पे किस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आपका स्किन को केयर करने का रूटीन है और उसके बाद जो मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने का रूटीन है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा जब तक आप अपनी स्किन टाइप को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सका अपनी स्किन टाइप के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है आप मेरे को बता सकते हैं। आई विल बी बैक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।